आप सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में आज हम आपका स्वागत करते हैं। और आइए, ये समय है आराधना का, तो क्यों ना इस आराधना को स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटी सी दुआ करें और इस दुआ के साथ हम इस आराधना का आगाज करें। आइए, अपने आंखों को बंद करें, अपने शीशों को क्यों ना झुकाए हम और उस खुदा से दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु इस घड़ी आपके चरणों के करीब आते हैं राजा। हाँ प्रभु, आपका कलाम कहता है जहाँ पे दो लोग आपके नाम के निमित्त जमा होते हैं प्रभु, प्रभु आपकी हुजूरी उनके मध्य में होती है प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति वहाँ पर होती है प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु जैसी आराधना प्रभु आपको भाए प्रभु परमेश्वर, आज वैसी आराधना हमें करने में हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे राजा। हम आपसे दुआ करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इसी उपस्थिति में परमेश्वर हमें बनाए रखे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, जैसे प्रभु परमेश्वर जिस आराधना प्रभु आपको प्रसन्न हो, आपके दिल को भाए प्रभु, आज प्रभु आज वैसी आराधना हमें करने के लिए मदद करे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारा आदर आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। सब कुछ है और मैं
है प्रभु, और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जिएंगे। तू मेरा सब कुछ है प्रभु जी। Yes, Father, we worship you. आज से हम कहते हैं कि हम तेरे लिए जिएंगे राजा, प्रभु तेरे नाम को हम महिमा देंगे, तेरे नाम को हम आदर देंगे प्रभु। प्रभु जिस तरह पौलुस कहता है कि प्रभु परमेश्वर, तू प्रभु परमेश्वर, हर एक समय उसकी निर्बलताओं में प्रभु अपनी सामर्थ्य उंडेलता है प्रभु जी। प्रभु आज हम भी कहीं ना कहीं निर्बल है प्रभु, आज होने दे प्रभु इस आराधना में, इस तेरी स्तुति में प्रभु, तेरी सामर्थ्य तेरे बच्चों पे उतरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब हमेशा रब की होवे सना।
कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, उसे भूल सकती है, पर हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो क्यों ना ऐसे परमेश्वर की और क्यों ना हम आराधना करें और क्यों ना उसके नाम को ऊंचा उठाए जो हमें कभी नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है कि जगत के अंत तक वो सदैव हमारे साथ है। तो आइए मेरे प्रियो, अपने शिष्य को झुकाते हुए, अपने दिल के गहराई से उसे पुकारते हुए, अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना करते हुए आज इस उपस्थिति में उसके नाम को क्यों ना हम और महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू भला है प्रभु, तेरे जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। Yes, Lord Jesus. Father, or my mom, Suti, Prashansa.
मिले। You know.
सजदा करते हैं खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं राजा। Yes, Father. प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। We give you all the glory. हाँ प्रभु जी। And honor, Father. प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम में देते हैं। जिस तरह यूहन्ना कहता है कि प्रभु अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं प्रभु। Yes, Lord. प्रभु आज हम भी कहते हैं प्रभु अवश्य है तू बढ़े प्रभु और हम घटे प्रभु जी। आज हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज ये आराधना आपने ग्रहण की प्रभु जी, वो एक सुगंधित इत्र के समान आपके नथनों तक पहुंची प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम फिर से प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए प्रभु,
प्रभु तू अपने दास का मसा कर, उनका अभिषेक कर प्रभु जी। और प्रभु आज आप उनके जरिए हमसे बातें करें प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को दे। यीशु लॉर्ड, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और आइए, ये समय वचनों का है, सब जो है वचनों को सुने।
आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आज इस संडे सर्विस में, इस रविवार की सभा में, मैं आप सारे भाई बहनों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर से आप सब यहाँ पर लाइव परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ, जैसे कलाम मुकद्दस परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। मुझे बहुत पसंद है जब यीशु मसीह ने कहा, जब वो नासरत में अपने घर गया और वहाँ पर एक आराधनालय में खड़े होकर उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। ये सारी बातें कहने के बाद यीशु ने कहा, नबी का यह वचन आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मैं बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर अपना एक वचन इस चलती हुई सभा में पूरा करेंगे। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ जो ज्ञान पाने के लिए आते हैं शायद उन्हें कुछ ना मिले, लेकिन जो सच में अपनी जिंदगी में प्रतिदिन अपने कैरेक्टर में यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि यही एक अंतिम सेवकाई है हमारी, उन लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छा वचन है। मैं सबसे पहले पास्टर शिव चंद्रपाल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया था कि मैं उनके लोगों को और तमाम और लोगों को जो इस वजह से इस पेज पर आएंगे, उन लोगों के लिए हम एक ब्लेसिंग का वर्ड दें। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी के लिए, और मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज मुझे एक बहुत ही अच्छा वचन दिया है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये सबके लिए है, लेकिन हाँ, जो लोग अपने कैरेक्टर में, जो लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो अपने पुराने नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर आने के लिए, उनके लिए आज एक बहुत ही विशेष वचन है। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की तरफ देखने पर आज एक गहरा अध्ययन, एक स्टडी है। आज मैं आज आपको बहुत कुछ बाइबल के हवाले से बताऊंगा, परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा आपको कि कैसे हम आने वाले दिनों में और परमेश्वर को अच्छे से जान सकते हैं, अपने ओल्ड नेचर से बाहर आ सकते हैं और अपने फोकस को, अपने ध्यान को और स्ट्रांग कर सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो ओके, बट अगर आप मुझे फोन पे देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़िए और मैं चाहता हूं कि आप कुछ कन्फेशन कीजिए। आइए, मेरे पीछे कहिए, आज परमेश्वर मुझसे बात करेंगे। प्लीज कन्फेस, आज प्रभु मुझसे बात करेगा। दूसरी बात, आज परमेश्वर मेरे ऊपर पाप की प्रभुता को तोड़ देगा, पाप की ताकत को तोड़ देगा। तीसरा कन्फेशन, मैं परमेश्वर को आज और बेहतर तरीके से जानूंगा। अब एक और कन्फेशन कीजिए, मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा मुझ में से बहकर दूसरों तक जाएगा, मेरा परिवार उधार पाएगा, मैं हर प्रकार के टेंशन से पूरी तरह से आज आजाद हो जाऊंगा। यस, थैंक यू, थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्होंने आज ये कन्फेस किया। आप सोचते होंगे कि मैं ये कन्फेशन क्यों करवाता हूं। याद रखिएगा, बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहती है, उन्होंने शैतान को अपनी गवाही और परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हरा दिया है। याद रखिए, नीति वचन में लिखा गया है, मनुष्य के मुंह में ही जीवन और मृत्यु है,
और जो उसको यूज करना जानते हैं, उपयोग करना जानते हैं, वह उसका फल भोगते हैं। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर जब भी लोग अपने बड़ों के पास जाते थे वो इस तरह आशीष पाते थे। इसाक ने याकूब और एसाव के लिए इस तरह की ब्लेसिंग रखी थी जो याकूब लेके चला गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो मैंने आपसे कन्फेशन करवाए हैं ये सिर्फ मीटिंग्स में नहीं होना चाहिए, इट विल बी योर लाइफ स्टाइल, ये आपके जीवन जीने के तरीके होने चाहिए। आपके घर के लोगों के लिए जब आप मॉर्निंग में उठते हो आपको उनको कहना चाहिए कि आज आपके लिए ब्लेसिंग का दिन होगा, प्रभु आज आपको वचन को पढ़ते समय आपसे बात करेंगे, जब आप दुआ करेंगे तो आपको प्रभु अपनी आत्मा से भरेंगे और आप सारा दिन प्रभु की वाणी को सुन पाएंगे। ये प्रतिदिन आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए उन लोगों के प्रति जिनसे आप रोज मिलते हो, चाहे वो घर वाले हो चाहे वो पड़ोसी हो। मैं नहीं कहता हूं कि आपको एक एक को पकड़ के ये सब बातें कहनी है, बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति इन बातों का ऑनर नहीं करता। यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट आप जिन्हें जानते हैं, जिनके साथ आप पॉजिटिव हैं, जो आपके साथ पॉजिटिव हैं, उन्हें जरूर एवरीडे मैसेजेस के थ्रू, कॉल के थ्रू या आमने सामने मिलकर जरूर उनको इस तरह की ब्लेसिंग्स दीजिए जो पॉजिटिव वे में लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जहां आप कल पहुंचना चाहते हैं वो आज आपको कबूल करना होगा। अगर आप कल, मैं जब मॉर्निंग में उठता हूं तो मैं जब प्रेयर करता हूं तो मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु, और मैं कन्फेस करता हूं क्योंकि फेथ वर्ड्स में दिखता है, मैं कन्फेस करता हूं एवरीडे कि प्रभु आज मैं एक लेवल और अनॉइंटिंग में बढ़ूंगा, और कलाम में बढ़ूंगा, और तेरे चरित्र में बढ़ूंगा, और परमेश्वर मुझे ब्लेस करते हैं और वो आपके लिए भी सेम है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं प्रतिदिन अपने परिवार और हर एक को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। आपके जुबान में जीवन और मौत है। आइए आज जैसे कि कलाम मुकद्दस में से हम कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि मैं हमेशा से 10-12 मिनट हमेशा आपको एक काउंसलिंग देने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज की जो स्टार्टिंग की काउंसलिंग है आपके लिए 10 से 12 मिनट के लिए वो बहुत अच्छी है। मैं इस विषय में बहुत बात करना पसंद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं आजकल। मैं आज से बहुत टाइम पहले एक प्लेस है महाराष्ट्र में जिसका नाम है नासिक। मैं एक बार एक नासिक की प्लेस पे गया था जहां पर मुझे विश्वासी लोगों के बीच में, जो बहुत पुराने थे, मुझे उनके बीच में परमेश्वर का वचन देना था। और जब मैं वचन प्रचार कर चुका तब मैं अपने कमरे में था, तब वहां पर जो परमेश्वर के दास थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे कहा कि एक परिवार है जो काफी दूर से आया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने बड़े दिल से उनको कहा कि ठीक है आप उनको अंदर भेजिए। जब मैं उस परिवार से मिला, जब मैं उस हस्बैंड वाइफ से मिला, तो उन्होंने मुझे एक बात कही जिसको जो मैं चाहता हूं आज इस बारे में थोड़ा ओपनली बात हो। उन्होंने मुझे मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम मसीह में आशीषित क्यों नहीं है ब्रदर, हम लोग 10 साल से प्रभु में हैं और हमने देखा कि हमारे बाद जो लोग आए वो बहुत ब्लेस्ड हो गए, पर हम लोग वहीं पर बैठे हैं। और काफी निराश लग रहे थे वो। और जब उनकी पूरी बात खत्म हुई, कम से कम उन्होंने मुझसे 15 से 20 मिनट तक इस बात को मुझे बताया कि कैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हुए हैं लेकिन हम वहीं पर हैं। तो सबसे पहले मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपके डिक्शनरी में ब्लेसिंग है क्या एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कार नहीं है 10 साल में, हमारे बाद जो लोग आए उन्हें दो दो कार हैं, हमारे पास आज भी ऐसा घर है जो कुछ खास इतना इंटीरियर नहीं किया गया है, लेकिन हमने देखा कि लोगों ने तो बड़े बड़े घर बना लिए और अंदर पूरी डेकोरेशन भी कर दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आज हालात हैं हमारे। बात सिर्फ उस फैमिली की नहीं है, बात एक्चुअली आज ये कंडीशन मसीहत की है। मैं आपको बताना चाहता हूं 70-80% लोग आज इन्हीं चीजों को, एक बड़ा घर, एक कार, एक गाड़ी, इवन बहुत सारे लोग तो बड़ी सेवकाई को, इन सारी चीजों को एक रियल ब्लेसिंग समझते हैं। अब सुनिए,
मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। आज अगर हम ट्रेन से नहीं जाकर अगर हम प्लेन में जाते हैं तो उसके कई फायदे हैं। हमारा टाइम बचता है, हमारी मेहनत बचती है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूँ। और अगर आप में से किसी को भी खुदावन ने बहुत कुछ दिया है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डेविल की तरफ से आपके पास, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल बताती है हर हर जो अच्छी वस्तु है और हर बलि और उत्तम वस्तु ऊपर से है, अर्थात परमेश्वर से है। यीशु मसीह ने भी कहा है कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी कमी घटी पूरी करेगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि यही चीजें ब्लेसिंग है तो मुझे समझना, मुझे लगता है कि आपको कुछ और चीजें हैं जो आपने अब तक नहीं समझी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर इब्राहिम अमीर था, सुलेमान अमीर था, दाऊद अमीर था, लेकिन आप नए नियम में जब आप चेलों के ऊपर पढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस, याकूब, यहुन्ना, पौलुस, जो भी आप नए नियम में चेलों के नाम पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी लोग आशीषित थे, लेकिन याद रखिएगा उनकी ब्लेसिंग्स बहुत अलग थी। उनके पास न केवल दुनिया की चीजें नहीं थी, परमेश्वर ने उनकी कमी घटियां पूरी की थी, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नया नियम कुछ और चीजों को धन और घर और गाड़ियां और सांसारिक वस्तुओं से ऊपर रखता है, और वो है आपका चरित्र, योर कैरेक्टर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहा है इस समय फेसबुक लाइव पर, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, आपके पास बड़ा घर नहीं है, आपके पास बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आप अपने चरित्र में यीशु मसीह की तरफ बन रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। अगर आप गलती कर रहे हो और प्रभु आपको रोशनी दे रहा है कि आपने गलत किया है, तो मैं सच कहता हूं इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि पिता आपसे अपनी औलाद की तरह व्यवहार कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आप एक घर में हैं और वहां पर बाप और बेटे बैठे हैं, दोनों, बेटा सिगरेट पी रहा है, बाप कुछ नहीं कह रहा है, आप क्या वहां पर महसूस करोगे? एक बात महसूस करोगे कि शायद ये बाप अब इससे इतना फेडअप हो चुका है कि अब इसने इसको समझाना ही बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी ऐसा ही है। वो आपको रोकता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, उसने आप पे गिव अप नहीं किया है। सच्ची आशीषों को देखना चालू कीजिए। मैं फिर से कहता हूं, मैं सुविधा के खिलाफ नहीं हूं, प्रभु ने आपको जो दिया है प्रभु को धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ यही ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर में आपको चेंज कर रहा है, आपके बात करने को चेंज कर रहा है, सोचने को बदल रहा है, देखने के तरीके को बदल रहा है, लोगों के साथ डीलिंग्स को बदल रहा है। आप जानते हैं क्यों हम लोग बार बार ये कहते हैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब? क्या था इब्राहिम के पास कि खुदा ने ऐसा कहा मूसा को, जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी में उससे बात की तो परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे बाप दादाओं का, इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। ये प्रभु ने उससे कहा। क्यों परमेश्वर प्रेजेंट करता है अपने आप को इब्राहिम के नाम से? जानते हैं इब्राहिम के पास क्या था? जब इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में, जब उसकी प्रॉपर्टी के संभालने वाले लोगों में झगड़े हो रहे थे, तब इब्राहिम समझ गया कि अब अगर यहां पर नहीं रोका गया तो ये झगड़े बढ़ेंगे, इससे अच्छा हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो जानते हैं उसने क्या किया? उसने लूत से कहा, एक काम कर, अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, और अगर तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। इब्राहिम ने बहुत ही प्लेन और सिंपल वर्ड्स में उसे कहा, तुझे जो लेना है तू इसे ले ले, पहले तू ले ले, जो बचेगा मैं ले लूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने मसीहों को आपने देखा है जो अपने अधिकारों के लिए न लड़े?
आज कलीसा के अंदर पोजीशन की बात पे झगड़े हैं। आज चर्च के अंदर अगर एक को सेवकाई दी जाती है तो दूसरा उसको देखकर जलता है। आज बहुत सारे कलीसियाओं में पोजीशन की बात पे झगड़ा है। बहुत सारे घरों के अंदर जहां पर ज्वाइंट फैमिलीज हैं, अगर आप एक को ज्यादा दोगे और दूसरे को कम दोगे तो वहां प्रॉब्लम्स हैं। मुझे बताइए, क्या ये आपका कैरेक्टर है? जरा सोचिए। यीशु ने कहा, अगर तुझसे कोई सिर्फ शर्ट मांगे तो लिखा है कि उसको अपनी ड्रेस दे दो। कोई तुमसे कहे कि एक मील चलना है तो उसके साथ दो मील चले जाओ। एक व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है, अपना सब कुछ गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मुझे बताइए, कितने आगे हैं आप इन चीजों में? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इब्राहिम के पास ऐसा कैरेक्टर था। वो चाहता था चाहे कुछ भी कर लो पर मुझे झगड़ा नहीं करना है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, वे शांति पाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि चाहे मेरा कुछ भी ले लो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ मेरा संबंध। यीशु मसीह क्रूस पे नंगे एक अंडरवियर में लटक रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को यह भी नहीं कहा कि पिता इन्होंने मुझे नंगा कर दिया है, देख मेरा कैसे खून बह रहा है। उसने एक ही बात कही, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु के जीवन में सब कुछ चले जाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे फर्क तब पड़ा जब पिता के साथ उसकी सहभागिता टूटी। बी लाइक इब्राहिम। उसने कहा भले ले ले, लेकिन मुझे रिलेशनशिप खराब नहीं करना है। ये इब्राहिम का चरित्र था जो आजकल कलीसियाओं से गायब है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक ही बात समझाना चाहता हूं इस काउंसलिंग में कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर आपको आपके करप्ट नेचर से फ्री करके आपको अपने नेचर के साथ जोड़ दे। दैट इज अ रियल ब्लेसिंग। मैं पैसों के खिलाफ नहीं हूं, मैं घर के खिलाफ नहीं हूं, मैं कार के खिलाफ नहीं हूं। प्रभु ने जो जिसको दिया है, परमेश्वर ने जिसको विश्वास योग्य जान के दिया है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास ये सब कुछ है और मैं ब्लेस्ड हूं पर आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस रियल ब्लेसिंग से वंचित हैं। आप उस रियल ब्लेसिंग को मिस कर चुके हैं जो आज भी आपके सामने पड़ी है। तो ब्रदर, हम मसीह के नेचर में आने के लिए क्या करें? सबसे पहले ईमानदार बनिए। दूसरों को जज करना, दूसरों का न्याय करना, दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कीजिए। अपने आप को देखिए कि आप कहां पर हो। और जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को खुदा के सामने ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं पर आप अपने आप को नहीं बदल सकते। आपको वही बदल सकता है जिसने आपको बनाया है, और वो यीशु मसीह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, PCS, आइए, मैं चाहता हूं इस समय हम इस टॉपिक को यहां खत्म करके अब हम अपने अध्ययन में आएंगे। और मैं बिलीव करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे। पर उससे पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे, यदि आप चाहें तो आप प्लीज इस वीडियो को और जगहों पर भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक हमने मीटिंग स्टार्ट नहीं की है, अब हम करने जा रहे हैं। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने वॉल पे और अलग अलग प्लेसेस पे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं। जैसे आपने आराधना में भाइयों के द्वारा ब्लेसिंग पाई, मैं चाहता हूं प्लीज आज आप वचन के द्वारा भी ब्लेस्ड हो। आइए, मैं चाहता हूं हम में से सब लोग, हम सब खोलेंगे भजन संहिता। आज के अध्ययन का नाम है यीशु मसीह की तरफ देखने पर गहरा अध्ययन। मैं चाहता हूं आप सब जबूर भजन संहिता खोलिए, द बुक ऑफ साम 123। साम 123। आइए, मैं चाहता हूं हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रेयर के बाद हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी के मालिक,
जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे महान प्रभु परमेश्वर, किसी ने आज तक आपको नहीं देखा है, पर आपने अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा हम पे प्रकट किया, जाहिर किया आपने। जैसा यीशु है वैसे आप हैं। यही चीज पवित्र आत्मा हमें सिखाने और समझाने के लिए हमारे अंदर आया है, ताकि हम तेरी तरफ देखकर तेरी तरफ बन पाए। होने दे प्रभु के आज की मसीहत के अंदर जितने भी लोग इस टीचिंग से भटक गए हैं, वो सिर्फ ज्ञान के पीछे, बड़ा बनने के पीछे, भीड़ इकट्ठी करने के पीछे चले गए हैं, या सिर्फ अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के पीछे लग गए हैं। होने दे प्रभु ये सब रॉन्ग ट्रैक से लोग बाहर आए और उस लीक पर आए जिसके लिए सच्चे संत भविष्यवक्ता बात करते थे। हम बाइबल में किसी ऐसे सच्चे आदमी को नहीं देखते जो अपनी फॉलोइंग और अपने व्यूज के बारे में और अपने ऑडियंस के बारे में जिक्र करता था। उन्होंने वही कहा जो उन्हें आपने कहने के लिए कहा था। होने दे प्रभु आज मसीहत राइट ट्रैक पे आए, और जाने के सब पढ़ने के बाद वो अंत तक यहीं पर पहुंचेंगे कि उन्हें तेरी तरह बनना चाहिए। हमें आशीष दे प्रभु, आज के वचन से हमसे बात कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूं हम आज के वर्ड को स्टार्ट करें। मैंने इन दिनों में कुछ यूट्यूबर्स को देखा, यूट्यूब पर परमेश्वर का वचन शेयर करते हुए। मैं जहां तक मैंने ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी आत्मा में ये महसूस किया, ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि सब ऐसे नहीं होते। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन को बड़ी खराई के साथ हमारे बीच में शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग जो हैं वो फॉलोइंग के पीछे हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो व्यूज के पीछे हैं, अधिकतर लोग ये देखते हैं कि कितने लोग मेरे चैनल पे आए और उन्होंने बेल आइकन बजाया और उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने वैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बार बार अपने सक्सेस की चर्चा करते हैं कि इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको सच कहता हूं, आज आपको ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं कि इट्स ओके जो ऐसा कह रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको देखते देखते एक दिन आप भी इनकी तरह बन सकते हैं। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, सब हम भाई हैं, हम सब जो भी सेवकाई करते हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हर चीज सही होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आई लव ईच एंड एवरी वन, मैं हर एक से प्रेम करता हूं, बट आई एम नॉट एग्री विथ एंड एवरी वन, पर मैं हर एक के साथ सहमत नहीं होता हूं। एक तरफ मैंने ऐसे लोग देखे जो सिर्फ फॉलोइंग के पीछे हैं, कमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं कि मेरे पेज पर जब लोग आए तो बहुत सारे कमेंट्स हो, बहुत सारे व्यूज हो। एक मैंने इस तरह के लोग देखे, और दूसरे मैंने देखे जो लोगों को एक इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं, प्रभु सब कुछ ठीक कर रहा है, प्रभु सब कुछ ठीक कर रहा है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप सवेरे उठोगे, आपके चमत्कार आपके सामने पड़े रहेंगे। इवन मैंने कुछ लोग तो ऐसे भी देखे जो लोगों को ये कह रहे थे कि अपना मोबाइल उठाओ और अपना बैंक का अकाउंट चेक करो, देखो पैसे आ गए होंगे। मैंने भी किए, कुछ नहीं आए थे। आप देख रहे हो कौन से क्या क्या आ चुका है आज मसीहत के अंदर। एक वो लोग थे जब देख रहे थे कि कलीसिया में लोग जब खाने की बात पे झगड़ा कर रहे हैं तो उन्होंने 7 लोग अलग कर दिए, और जानते क्यों अलग किए, कि इन चीजों को आप देखो, हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे।
लेकिन आज लोगों ने थोड़ा सा वर्ड और 90% मिक्सिंग करके, अपनी बातें डाल के, बुद्धि की बातें डाल के एक बहुत अच्छा मसाला बना दिया है। मैंने एक ऐसे लोग देखे जो YouTube पे, Facebook पे जो सिर्फ फॉलोइंग के पीछे हैं, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो सिर्फ इमोशनल एक्सपीरियंस देते हैं। और मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर दया करना कि मैं कभी ऐसे न बह जाऊँ। और मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, प्रभु ने मुझे कहा कभी भी लोगों को इमोशनल एक्सपीरियंस मत दे, उन्हें होमवर्क दे। जैसे मीटिंग पूरी होती है उनके लिए एक काम होना चाहिए, प्रचार ऐसा होना चाहिए कि मीटिंग सुनने के बाद हर व्यक्ति कमरे में चला जाए और अपने घुटने टेक कर अपने जीवन को प्रभु के सामने ठीक करे। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे खुशी होती है कि जब मैं अपना वचन इस बात पे खत्म करता हूं कि बाइबल में क्या लिखा गया है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं कुछ बातें बार बार दोहराता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना हर सरमन इसी तरह पूरा करूंगा कि मेरे मीटिंग पूरी करने के बाद इस किताब को आप उठाएं और उसमें घुस जाएं और आप हर बात को जानें, समय स्टडी करके, और आपका संबंध परमेश्वर के साथ बने। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे लगता है मैं प्रभु के किसी भी काम नहीं आ पाया हूं। अगर जस्ट मैंने आपको एक सिंपथी दे के पूरा कर दिया कि सब ठीक होने वाला है, सो जाओ, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा प्रचारक हूं जो फेल्यूर हूं। आप जानते हैं यहोशू जब डिस्करेज था तो प्रभु ने उसे कहा, क्या कहा? प्रभु ने उसे कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए। परमेश्वर एक व्यक्ति को हमेशा अपने वचन की तरफ ड्राइव करता है। साम में लिखा गया है, मैंने अपने नाम से अधिक परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। ऐसा लिखा गया है साम में कि खुदावन ने अपने आप से ज्यादा अपने कलाम को महत्व दिया है। आज हम किसे दे रहे हैं, मुझे बताइए? हम फॉलोइंग इकट्ठी कर रहे हैं, बार बार ये जानना चाहते हैं कि कितने राज्य के लोग हमें देख रहे हैं, या हम ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ संतुष्ट होके गए हैं? मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब भी प्रचार करता हूं 5 या 10 लोग तो पक्का मुझसे नाराज होते हैं, पर मैं ये देखता हूं कि वो किस वजह से नाराज हुए हैं। अगर वो नाराज इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से खरी शिक्षा दी, नो प्रॉब्लम, मैं अपने कपड़े आपके सामने झाड़ता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन से बात की है। लेकिन अगर मैंने अपने स्वभाव की वजह से किसी को भी ठोकर खिलाई हो तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्यूचर में ऐसा न करूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको वचन के कारण अगर आपको ठेस पहुंचती है तो इसमें कोई किसका कोई दोष नहीं है, आपको अपने साथ डील करनी है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जिसने कलामे मुकद्दस खोला है, मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं, 123:2। ये बहुत बड़ा वचन है लेकिन बहुत आपके स्क्रीन पर भी ये आ रहा है। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा को की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। अब आप सभी जानते हैं, जैसे कि आज के अध्ययन का नाम है यीशु मसीह की तरफ देखने पर एक गहरा अध्ययन, यहां पर एक बहुत अच्छी बात सामिस्ट भजनकार कहता है कि हमारी आंखें लगी रहेंगी। मैं आज इस चीज पर आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह अनुभव किया इस इन दिनों में कोरोना वायरस में कि बहुत सारी बुरी आत्माएं हमें डिप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, हम घर पे बैठ बैठ के सिर्फ नेगेटिव हो रहे थे। मैंने ये बहुत अनुभव किया, घर पे बैठ बैठ के नेगेटिव होना, डिप्रेस होना, करेज नहीं होना, और कई बार अपने आप को लो फील करना। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया होगा कि इस लॉकडाउन में आपको डिस्करेज, डिप्रेस, बार बार आपके फेल्यूअर्स,
फ्यूचर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन सारी बातों ने हम पे अटैक किया। इवन अब भी ये हमारे जिंदगी के हिस्से हैं। यहां पर लिखा गया है हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल के अंदर जितने भी लोग आप पढ़ते हैं, चाहे आदम से लेकर मलाकी तक और मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने हर दास और अपनी हर दासी को यह लेसन सिखाना चाह रहा था कि उसकी तरफ देखने का मतलब क्या होता है। आज हम चर्च जाते हैं, आज हम दुआ करते हैं, आज हम फास्ट करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे अच्छे लोग, पुराने पुराने लोग, सेवकाई करने वाले लोग इस चीज से भटक चुके हैं कि परमेश्वर की तरफ देखने का अर्थ क्या होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप देखिए, यीशु मसीह कुछ करने से पहले दुआएं करता था, यीशु मसीह चमत्कार करने के बाद भी पहाड़ों पे जाके परमेश्वर को धन्यवाद करता था, दुआएं करता था। यीशु जानता था कि मुझे अपना फोकस कहां पर फिक्स करना है, लगाना है। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल को आराम से पढ़िए तो यहोशापात, जब उसे पता चला कि बहुत सारे राज्य के लोग उसे खत्म करने के लिए आ रहे हैं, वो परमेश्वर के भवन में गया, उसने फास्टिंग की और उसने परमेश्वर से ये बातें कही कि तू स्वर्ग में है, तू हमें बचाता आया है, तू इब्राहिम का मित्र है। पर आप जानते हैं उसकी प्रार्थना का अंतिम वर्ड लगभग क्या था? वो कह रहा है कि ये जो बड़ी भीड़ हमें मारने के लिए आ रही है, हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आप इब्रानियों पढ़ लीजिए, इब्रानियों का लेखक 12 अध्याय में क्या कहता है, आओ हम यीशु की तरफ ताकते रहें जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ और सिर्फ एवरीडे पापों की क्षमा मांगना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, आप सिर्फ इसी अनुभव में जी रहे हो कि अब आप एक लेवल और आगे जाना चाहते हो, जहां पर आप अपना फोकस आप अपने आप को यीशु मसीह की तरफ देखने में लगा दीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको आज समझाना चाहता हूं विस्तार से कि यीशु की तरफ देखने का, कंटिन्यू देखने का अर्थ एक्चुअली क्या है, यीशु की तरफ देखने का। और मैं आपको सच कहता हूं, जब यीशु मसीह ने अंतिम समय की बात की, सुनामी की बात की, अर्थक्वेक की बात की, अकाल की बात की, बहुत सारी महामारियों की बात की, अंत में यीशु ने क्या कहा, लेकिन तुम अपनी शक्ल, तुम अपना ध्यान ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हर वो व्यक्ति खाली हो चुका है भीतर से, जिन्होंने अपना ध्यान खुदा से हटा दिया है। और आज की सभा में इस पेज के थ्रू मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं। आप ऐसा समझिए कि आज आप एक मीटिंग में नहीं है, आप एक क्लास में हैं, आप एक ट्यूशन पर हैं, और मैं आज आपको कुछ टीच करना चाहता हूं। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, पर वो बातें मैं अपने आप को भी सिखाऊंगा और आपको भी समझाना चाहता हूं। यहां पर भजनकार कहता है कि हमारी आंखें, जैसे दास और दासियों की आंखें अपने स्वामी की ओर, मदद की ओर लगी रहती हैं, वैसे हम भी अपनी आंखें तेरी ओर तब तक लगाएंगे जब तक तू हमें अनुग्रह न दे। अब मैं आपको दो लोगों के लिए बताऊंगा आज कि देखो, एक का फोकस कितना वीक है, एक का फोकस कितना स्ट्रांग है, और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको वो समझाऊंगा। आप बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था गहजी। अगर आप गहजी की लाइफ को बहुत ध्यान से देखें, ज्यादा जिक्र नहीं है गहजी का, लेकिन जितना है बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अपने वचनों में एक ऐसा व्यक्ति रखा है जिसके कमजोर फोकस के द्वारा भी हम कुछ सीखें। आप सभी जानते हैं कि एक स्त्री को एक बेटा हुआ था, एलिशा ने प्रभु से प्रार्थना करके उसे एक बेटा दिया था, और उसके बाद वो बेटा मर गया। जब एलिशा ने गहजी को बच्चा पैदा होने से पहले, जब उस स्त्री को अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, और जब एलिशा ने जानना चाहा था कि इसकी जिंदगी में क्या घटी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कमी घटी। एक बहन है, उसे कोई बच्चा नहीं है, और वो एलिशा को अपने घर पे रहने के लिए जगह देती थी, उसके हस्बैंड और उस खुद ने। और आप सभी जानते हैं कि एलिशा ने देखा कि जब इस हस्बैंड वाइफ ने उसे जगह दी है, तो एलिशा ने डिसाइड किया कि वो भी उन्हें कुछ दे प्रार्थना करवा के। और उसके पास कोई बच्चा नहीं था। आप जानते हैं उसके पास कोई बच्चा नहीं है, ये बात एलिशा को उन लोगों ने नहीं बताई, गहजी ने बताई।
आप जानते हैं किन लोगों का फोकस बहुत वीक होता है? सबसे पहले उन लोगों का फोकस वीक होता है जिनको कोई काम नहीं है सिर्फ एक काम के सिवा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में झांकना। उसने डीपी क्या लगाया, उसने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या रखा, उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने क्या किया। आप देखते रहेंगे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सारा दिन दूसरों की कमजोरियों की, दूसरों की गलतियों की, दूसरों के खानदानों की, दूसरों के बातों की चर्चा करते रहते हैं। ऐसी मंडलियों में भी आपको नहीं बैठना चाहिए जहां पर सिर्फ दूसरों के लिए वार्तालाप होता है। मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारी मंडलियां ऐसे बन चुकी हैं, आप अगर वहां पर जाके बैठोगे ना, आपको यीशु के लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। कौन सा व्यक्ति पाप में गिरा है, कौन से आदमी ने गलत किया है, कौन सा आदमी ऐसा कर रहा है, चेंज हो गया है, ये हो गया है। आपको जब भी ऐसी संगतियों के बीच में बैठना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं उठ के खड़े हो जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं इन संगतियों में खुदा नहीं है, दुष्ट आत्माएं हैं, और आप जान भी नहीं पाओगे। आप भी इन लोगों की तरह रिबेलियस, आप भी इनकी तरह दूसरों के विरोधी बन जाएंगे। आप जानते हैं गहजी को कैसे पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है? एलिशा एक जगह से गुजरता था, एक बहन उसे देखती थी और उसने जान लिया था कि ये परमेश्वर का दास है। उसने अपने पति से कहा कि हम इसकी कुछ मदद करें, अपने घर के ऊपर एक फ्लोर पड़ा हुआ है, कुछ चीजें रख दे ताकि ये कभी भी यहां पर आए तो ऊपर आराम करें। जब एलिशा को उन्होंने जगह दी तो एलिशा ने पूछा गहजी से कि इनके लिए हम क्या करें, तब गहजी ने कहा इनको बच्चा नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा था, गहजी इन बातों की जानकारी रखता था। आप भी हो सकता है कि आप सिर्फ ये जानकारियां रखते हैं कि उसकी मंडली में क्या हो रहा है, उसकी मंडली में क्या हो रहा है, हमारा कोई काम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों याद रखिएगा, मैं कभी भी किसकी पर्सनल लाइफ से कभी बात नहीं करता, लेकिन जब सिर्फ मैं देखता हूं कि मसीहत खराब हो रही है तब मैं बात करता हूं। अदरवाइज मेरा कोई काम नहीं है कि मैं किसका किसके पर्सनल लाइफ के लिए बोलूं। हर एक का प्रभु न्यायी है, हमें कोई किसको जज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के प्रचार से, किसी के तरीकों से अगर लोग गलत तरफ फिर रहे हैं तो हमें सिस्टम के लिए बोलना जरूरी रहता है। गहजी एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की जिंदगियों में झांकता था। दूसरी चीज, जब गहजी को एलिशा ने कहा, जब वो बच्चा मर गया, एलिशा ने प्रार्थना की थी, उसे बेटा मिला और आगे चल के वो बेटा मर गया। और जब वो औरत, जब वो बहन एलिशा से मिलने के लिए आई तो एलिशा ने गहजी को एक लकड़ी दी और कहा जा रस्ते पर किसी से बात मत करना, वहां जा और ये लकड़ी उसके ऊपर रख देना। आप जानते हैं क्यों एलिशा ने गहजी से कहा रास्ते पर जाते हुए किसी चीज पर ध्यान मत देना? क्योंकि एलिशा कहां ना कहां जानता था अगर इसे रास्ते पर कोई भी मिला ये उससे बात करने के लिए खड़ा हो जाएगा। यीशु ने कहा राह चलते किसी को नमस्कार मत करो। क्या समझाना चाह रहा था यीशु मसीह, क्या समझाना चाह रहा था एलिशा? कि आपको जो जॉब है आपकी, आपका जो काम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कई सारे जो लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, भले ही वो रास्ते पर शायद किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो कोई भी थॉट अगर उनके पास आता है, वो ये जानते भी नहीं है ये थॉट किसके लिए है, उसे घंटों एंटरटेन करते रहेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक भाई हैं और अगर उनको उन्होंने एक व्हाइट शर्ट पहनी है और शैतान मुझे उनके शर्ट के लिए कुछ थॉट दे रहा है, या तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर मैं किसी और व्यक्ति को देख रहा हूं जो कुछ गलत काम कर रहा है और डेविल मुझे थॉट दे रहा है कि देख ये क्या कर रहा है, आप मुझे बताइए, चाहे बात कुछ भी हो, चाहे समस्या कुछ भी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे दूसरे की जिंदगी से कोई बात कंसर्न करती हो, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? जरा सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस के बाहर खड़े हो और आपको पहचानने वाला एक व्यक्ति, उसने आपको जय मसीह तक नहीं कहा, वो जल्दी में चला गया, अब आप घंटों भर ये सोचोगे कि ये कितना घमंडी व्यक्ति है, उसने मुझे विश भी नहीं किया, यहां से गुजर गया, आपको इतना टाइम कहां से आता है?
क्या आपके पास बाइबल नहीं है कि आप उसको मेडिटेट करो, आप उसके बारे में सोचो? आप ये सोच रहे हो कि किसी ने आपको विश क्यों नहीं किया है, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहा है, किसी ने आपको रिप्लाई क्यों नहीं किया है? कुछ लोग तो इतने कमजोर होते हैं कि अगर आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, फोन नहीं उठाने पर नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आपने उनको आमने सामने देखा और आपने किसी और से ज्यादा बात की, उनसे कम बात की, वो नेगेटिव हो जाते हैं। गहजी बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था, वो अपने फोकस में बहुत वीक था। एलिशा जानता था कि ये फेल हो सकता है, लेकिन एलिशा उसे ट्रेन करना चाह रहा था। और आप जानते हैं, जैसे वो वहां पर गया, उसने लकड़ी वहां पर रखी, जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, और वो वापस भी आ गया। जरा सोचिए कितना जल्दी गिव अप करने वाला वो व्यक्ति है, जरा सोचिए। यीशु मसीह ने चेलों को नहीं बताया था कि कौन से दिन पे पवित्र आत्मा उतरेगा। यीशु ने सिर्फ उनको ये कहा था, जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, तुम जाओ और यरूशलेम में जाके इंतजार करना पवित्र आत्मा के उतरने का। वो नहीं जानते थे ये कब होगा। वो फर्स्ट फ्लोर पे गए, उन्होंने दुआएं करना चालू की। क्या उन्होंने गिव अप किया? गहजी कुछ समय तक भी वहां पर नहीं ठहरा, वो वापस आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये उसका फोकस था। दूसरों की जिंदगियों में झांकना, दूसरों के मैटर्स के बारे में सोचते रहना, बहुत सारी बातें सोचना, और थर्ड थिंग, अगर वो कुछ कर रहा था और उसे कुछ नहीं मिल रहा था, वो गिव अप कर रहा था। ये सारे फ्रूट्स हैं उन लोगों के जिनका फोकस वीक है, जो दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं, कुछ भी सोचते रहेंगे। क्या आप भी कहीं ऐसे तो नहीं हो गए हैं? आप जानते हैं, एलिशा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर एलिया नबी की अनॉइंटिंग थी। जानते हैं उसे कैसे मिली थी? एलिया ने उसे कहा था, जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा और तू अगर मुझे देख ले तो ये तेरा हो जाएगा। एलिया ने एलिशा को लास्ट लेसन जो सिखाया था वो ध्यान देना था। यीशु मसीह, बाइबल ऐसा बताती है, जब वो उठाए जा रहे थे, चेलों ने उनको देखा था, यीशु अगर चाहता तो ऐसे गायब हो जाता था, लेकिन यीशु चाहता था कि उसके चेले उसे ऊपर जाते हुए देखें, ताकि वो ऊपर की ओर दृष्टि करना सीखें। नोहा के पास एक बोट में एक ही खिड़की थी, जो तो ऊपर की तरफ थी। परमेश्वर टीच करना चाहता है। अब देखिए, गहजी की जिंदगी ऐसी थी। अब आपको मैं एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, जरा इस बार इस आदमी को देखिए, ये अपने फोकस में कितना स्ट्रांग है। गहजी के पास तो कोई तकलीफें भी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी जो उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन इस आदमी के पास तो इतनी तकलीफें थी। उसके बाद भी ये आदमी जानता था कि उसे अपना फोकस कैसे मेंटेन और मैनेज करना है। आप सभी जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम शाउल था। वो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, वो कलीसियाओं को सता रहा था, लेकिन प्रभु ने उसे चुना था उसकी मां के पेट से। और बाइबल बताती है, प्रभु उस पर जाहिर हुआ दमिश्क में, और प्रभु ने उसकी जिंदगी बदली और वही एक महान चेला बना, पौलुस। और आप जानते हैं, पौलुस के जीवन में क्या था? उसके पास कभी कभी खाना खाने के लिए नहीं होता था, कई बार उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। आप पढ़ सकते हो कुरिन्थियों में, जाड़ों में, उघाड़ों में। उघाड़ा मतलब क्या? उघाड़े का मतलब होता है कि जिसके तन पे कपड़ा नहीं हो। जाड़े में, उघाड़े में, इसका मतलब ठंडियों में कपड़े नहीं है, भूख और प्यास में, खाने के लिए नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे खुद के लोग भी तंग करते हैं, दूसरों तो छोड़ दो, उसके मसीह भाई लोग भी उसे नहीं छोड़ते थे, यहूदी उसे नहीं छोड़ते थे। एक जगह तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है एक जगह पे कि प्रार्थना करो कि मैं कुछ विश्वासियों से बचा रहूं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मारा गया, पीटा गया, कोड़े मारे गए, लैशेस मारी गई, उसका बोट टूट गया, वो 24 घंटे वो पानी में तैर तैर के एक बार एक तट पर पहुंचा था, एक एक आइलैंड पे पहुंचा था। अब सुनिए, ऐसा व्यक्ति जो इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स, इवन एक टाइम था जब वो प्रॉब्लम में था और दुआ भी नहीं सुनी जा रही थी उसकी, उसे प्रभु से कहा, मैंने 3 बार आपसे कहा है, लेकिन प्रभु ने उसको कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु ने इस तरह उसकी प्रेयर्स का आंसर किया था। अब जानते हैं, अब ऐसा व्यक्ति
फिलिप्पियों को जानते क्या लिखता है, वो कहता है जो बातें हो गई हैं मैं उन बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो लड़ते हैं उन बातों से जो प्रभु और उनके बीच में रुकावट है, चाहे वो थॉट्स हो, शरीर हो या सिचुएशन हो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने आप से लड़ना नहीं सीखा, अपने विचारों से लड़ना नहीं सीखा, शरीर से लड़ना नहीं सीखा, डेविल से लड़ना नहीं सीखा, आप कभी अपना फोकस स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थॉट्स, दुनिया, सिचुएशंस, ये फ्लैश आपके फोकस को खींचते हैं आपकी तरफ। जरा सोची, पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूं। कौन सा काम कर रहा है वो? वो एक काम है, जो बातें हो गई, मेरे पास खाने के लिए नहीं था मैं भूल जाता हूं, मेरे पास प्यास थी पीने के लिए नहीं था कुछ भी मैं भूल जाता हूं, लोगों ने मुझे सताया, तरह तरह की बातें कही, गलत गलत नाम दिए, बहुत कुछ बोला, मैं सब बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूं ताकि मैं इनाम पा सकूं। एक गहजी था जिसके पास तकलीफें नहीं थी फिर भी वो वीक था, एक पौलुस था जो इतना तकलीफों में था लेकिन वो जानता था उसे कहां देखना है। आप कहां पर हैं, किस चीज पे आपका ध्यान है? पबजी खेलने पर, कैंडी क्रश खेलने पर, लूडो खेलने पर? जरा सोचिए, टीवी पर? मैं नहीं कहता हूं ये सारी चीजें ईविल हैं, गलत हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी चीज खुदा के ऊपर नहीं है। ये सब चीजें आपके लिए पिकल की तरह होनी चाहिए, आचार की तरह। जरा सोचिए, अगर आपके घर पे आपकी मम्मी आपको खाना दे रही है और आप उसको बोलते हो मां आचार है, अगर आपकी मां कह रही है आचार खत्म हो गया तो क्या आप खाना छोड़ दोगे? नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। पर आजकल बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इन सारी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को खाना बना दिया है, ये पहले चाहिए, ये आचार नहीं है। आचार यीशु मसीह बन चुका है बहुतों के जिंदगी में, कि रहे तो भी ठीक, न रहे तो भी ठीक। सोचिए हम कितने नीचे आ गए हैं मेरे भाइयों। कितनी भी मीटिंग अटेंड कर लो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कितने भी कॉमेंट्स करो, क्या भी करो, भले शेयरिंग क्यों ना करो, खुदावन इनसे खुश नहीं होता। खुदा खुश होता है जब आप अपना ध्यान उसकी तरफ लगाकर ईमानदारी से अपने आप को उसके सामने उंडेल देते हो और उसके सामने दुआएं करते हो, फरियादें करते हो कि खुदा मुझे अपनी तरह बना। परमेश्वर इस तरह के एटीट्यूड से खुश होता है। कई सारे लोग, मैंने तो बीच में एक व्यक्ति को यह भी कहते सुना कि अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करोगे तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। मैं सोच रहा था बस अब यही रह गया था। अगर आप शेयर कर रहे हो इसमें गलत नहीं है, डोंट वरी, बहुत लोग देखकर आशीष पाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बातें देखकर खुदा आपको ब्लेस करता है तो मुझे लगता है कि आपको अब ऊंचा उठने की जरूरत है। पौलुस यहां पर कहता है मैं सब वो बातें भूल जाता हूं जो मेरे साथ हुई हैं और मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। यीशु ने कहा उन यहूदियों को जो पुराने नियम में थे, जो पुराने नियम में 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करना चाहते थे, यीशु ने उनको कहा पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते। यीशु मसीह उनको समझा रहा था अब ये रूल मायने नहीं रखता कि व्यभिचार मत करो, अब नई व्यवस्था ये है कि तुमने अभी तुम्हें अपने मन में भी किसी के लिए नहीं सोचना। यीशु उनको समझा रहा था दोनों चीजें मिक्स करके तुम नहीं चल पाओगे। मैं भी आपको समझा रहा हूं, आधा दिन दुनिया, आधा दिन प्रभु, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन दिनों में आपको प्रभु से लिस्ट मांगनी चाहिए उन चीजों की कि आपको किन किन चीजों से अलग होना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गहजी एक वीक फोकस वाला व्यक्ति था, लेकिन पौलुस जानता था उसे कहां ध्यान देना है। उसने अपनी दौड़ पूरी की। अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अब आप पूछेंगे ब्रदर किस चीज पे फोकस करें? यीशु दिखते नहीं है, यीशु की कोई मूर्ति नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है कि मूर्ति में खुदा नहीं है। चाहे आप अपने घर के अंदर यीशु की मूर्ति क्यों नहीं रखते हैं,
गलत है, बाइबल परमिट नहीं करती। बाइबल बताती है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। अब आप कहेंगे ब्रदर यीशु दिखता नहीं है, मूर्ति में यीशु है नहीं, फोकस किस चीज पर करें? मैं आपको बताता हूं आज। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे प्रार्थना करने गए थे, जैसे वो नीचे उतरे उन्होंने हर एक को बताया मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के ग्रुप में सिर्फ वो 12 चेले नहीं होते थे, कुछ बहनें भी होती थी, मरकुस 6 अध्याय में लिखी हैं। आप जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, वहां से उतारे गए, उन्हें कब्र में रखा गया, तीसरे दिन आप जानते हैं चेले पहले नहीं गए उसे देखने के लिए। स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं लेके वहां पर गई, और जैसे वो वहां पर गई, मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने यीशु के शरीर को नहीं देखा। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर चेलों को बताया, चेले आए, उन्होंने भी देखा कि बॉडी गुम है, यहां से कोई नहीं है यहां पर, और वो चले गए। लेकिन एक बहन वहां बैठी रही, मरियम। क्यों? मरियम ने एक चीज ग्रिप की थी। मरियम जानती थी वो जी उठा है, और मरियम के अंदर डिजायर थी कि वो मेरे सामने आए। वो वहां पर बैठ के रो रही थी। इसे कहते हैं फोकस। लोग आ रहे थे, कब्र पे देख के चले गए, जैसे आज भी ऑनलाइन आते हैं, देख के चले जाते हैं, चर्च में आते हैं, वर्ड सुन के चले जाते हैं। कितने लोग हैं जो सुनी हुई बातों को ग्रिप करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा तू वही परमेश्वर है जो मरियम का खुदा है, तो उस पर जाहिर हुआ, तो मुझ पर भी जाहिर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं इतने लाखों लोग मिस्र से निकले, पहुंचे दो, आज की कंडीशन में, आज की मसीहत में भी यही कंडीशन है। मीटिंग ऑनलाइन सुनने वाले बहुत हैं, सुनकर नोट्स बनाने वाले भी बहुत हैं, आने जाने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो मरियम की तरह हैं, जो ये जानती थी कि उसने कहा है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और वो वहां पर बैठी रही। सब चले गए। आप पढ़ के देखिएगा बाइबल के हर गॉस्पल के अंतिम अंतिम अध्याय, लास्ट लास्ट चैप्टर्स, चेले आए, वो देखकर चले भी गए, लेकिन ये खड़ी रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो मरियम ही थी जिस पे यीशु मसीह जाहिर हुआ। हे मरियम, वो कहती है रुबूनी। और जब उसने यीशु को देखा, वो यीशु को हक करने जा रही थी, तब यीशु ने उसे कहा रुक, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। जरा सोचिए, यीशु उन पे जाहिर हुआ जिन्होंने उसके वचन को पकड़ के रखा था, और किसी पर नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, दैट इज कॉल्ड फोकस। इसे ही कहते हैं यीशु की तरफ ध्यान देना। सिर्फ इसे पढ़ना नहीं, इन चीजों को अपने जहन में रखना, इन बातों को याद करते रहना, इन बातों को कबूल करना, इन्हीं बातों पर अपनी उम्मीद लगाए रखने का अर्थ होता है आपने यीशु की जिंदगी पर, उसके कलाम पे ध्यान दिया है। आप जानते हैं यीशु मसीह प्रतिदिन कैसे जीते थे? पुत्र अपने आप में कुछ नहीं करता, पर जैसा वो बाप को करते हुए देखता है, करते हुए वो वैसा ही करता है। ये यीशु का फोकस था, उसका स्वर्गीय पिता। मैं उम्मीद करता हूं आज की सभा में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे लगता है फोकस का वर्ड जैसे आज ओपन हुआ है, शायद पहले कभी हुआ था। मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आज आपको बहुत सारी बातों से उन्होंने ब्लेस किया है। और आइए, मैं जानता हूं जो हमने सुना है ये तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें परमेश्वर अनुग्रह न दे। लेट्स प्रे फॉर ग्रेस। पिताजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने मुझे तमाम लोगों के लिए दिया, पास्टर जी के चर्च के लिए भी दिया। मैं दुआ करता हूं हर वो व्यक्ति और मैं, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि हमें अनुग्रह दे, क्योंकि कलाम कहता है मन का अनुग्रह से दृढ़ होना बला है। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, हमें अनुग्रह दीजिए,
ताकि वो अनुग्रह हमारे फोकस को उठाने में हमारी मदद करे और हमारा ध्यान आपकी तरफ बना रहे। जितने भी लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं इस समय, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो व्यक्ति जिसके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं लड़ाई और झगड़ों के काम कर रहे हैं, वो यीशु के नाम से चले जाएं। हर वो व्यक्ति प्रभु जी जो इन दिनों में COVID-19 से पॉजिटिव पाया गया है, यीशु के नाम में जो चंगा हो जाए हर वो व्यक्ति प्रभु, न बल से न ताकत से, पर आपकी आत्मा के द्वारा ऐसा हो। पास्टर जी को और उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को भी हम आपके हाथों में देते हैं। विश्वास करते हैं बरकतों के खुदा, तू आने वाले दिनों में हमें बड़ी बरकतें देगा। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। हम दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। मैं धन्यवाद करता हूं आज पवित्र आत्मा का, जिन्होंने मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए वर्ड दिया, यीशु के जीवन पर एक गहरा अध्ययन। और मैं आप में से भी हर एक को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल पर आए, पेज पर आए, और आपने आज के वीडियो को देखा और आपने बहुत कुछ लर्न किया। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपने आज के वचन से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि जरूर कमेंट करके नीचे बताएं, ताकि हम भी आपके कमेंट्स को पढ़ के ब्लेसिंग पाएं। और अगर आप ये वीडियो अगर हो सके तो अपने वॉल पे जरूर शेयर करें। ऑलरेडी इस वीडियो को टाइटल दे दिया गया है, आपको देने की आज जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शेयर करने की जरूरत है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय यीशु मसीह की।